यमराज को खुश करने के लिए यहाँ कुत्तों के साथ किया जाता है ऐसा काम। दोस्तों, इस पूरी दुनिया में कई तरह के धर्म हैं जिनका पालन लोग बड़ी शिद्दत के साथ करते हैं। इतने अधिक धर्म होने की वजह से कई तरह के रीति रिवाजों और मान्यताओं का भी जन्म हुआ है। ऐसे में लोग अपने पूर्वजों के द्वारा निभाई जाने वाली रस्मों को पूरी लगन के साथ करते हैं। हाल ही में भारत और अन्य देशों में हिंदुओं का त्योहार दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस त्योहार में लोग घरों को सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं और माता लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। दिवाली का ये त्योहार पूरे 5 दिनों तक चलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब हम भारतीय इन 5 दिनों तक दिवाली का त्योहार मना रहे होते हैं, उसी दौरान नेपाल में एक और त्योहार चल रहा होता है जिसका नाम है कुकुर तिहार। कुकुर तिहार नाम के इस त्योहार को कुत्तों की दिवाली नाम से भी जाना जाता है। इस त्योहार को हर साल नेपाल के लोग बड़ी धूमधाम से मानते हैं। दिवाली की तरह त्योहार भी पूरे 5 दिनों तक चलता है। इस त्योहार में कुत्तों की बड़ी खातिरदारी और पूजा की जाती है। यहाँ लोग कुत्तों को माला पहनाते हैं और उनके माथे पर टीका लगाकर उनकी पूजा भी करते हैं। इस त्योहार की खास बात यह है कि इन दोनों अपने पालतू कुत्तों के साथ साथ गली के कुत्तों की भी खातिरदारी होती है। इन गली में घूमने वाले कुत्तों को भी लोग तिलक लगते हैं, माला पहनाते हैं और स्वादिष्ट भोजन भी कराते हैं। इस वजह से नेपाल में होती है कुत्तों की पूजा। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि आखिर कुत्तों को पूजने वाला ये त्योहार क्यों मनाया जाता है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर त्योहार की तरह इसके पीछे भी एक वजह या फिर कहे मान्यता है। दरअसल नेपालियों का मानना है कि कुत्ता मृत्यु के देवता यमराज का दूत होता है। ऐसे में ये लोग कुत्ते की पूजा कर यमराज को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। इसका मकसद ये होता है कि यमराज उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और सही वक्त आने के पहले ही उन्हें अपने साथ ना ले जाए। आसान शब्दों में कहे तो ये लोग अकाल मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए कुकुर तिहार मानते हैं। कुत्तों के साथ अन्य जानवरों की भी होती है पूजा। इस त्योहार का एक फायदा ये भी है कि इससे इंसान और कुत्तों के बीच एक अच्छा रिश्ता कायम होता है। ये दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट करने लगते हैं और साथ में मिलजुल कर रहते हैं। इस त्योहार में सिर्फ कुत्तों के साथ साथ अन्य जानवर जैसे गाय, बिल्ली और कौवे की भी पूजा की जाती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये त्योहार जानवरों के लिए काफी फायदेमंद होता है। इससे उन्हें मान सम्मान के साथ स्वादिष्ट भोजन भी खाने को मिल जाता है।